दोस्तों एक बार मुझे आप शुरू में कमेंट करके जरूर बताना कि एशियन पेंट जो कंपनी है उसका कितना मार्केट शेयर है। आपको बताएं कि मार्केट लीडर कंपनी है वो पेंट के सेक्टर में, लेकिन उसका कितना मार्केट शेयर है। देखो कोई भी कंपनी मार्केट लीडर है तो उसका कुछ तो मार्केट शेयर होगा, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। जो मैं अभी आपको कंपनी बताने जा रहा हूं उसका गाइस मार्केट शेयर एशियन पेंट से ज्यादा है। अब आपका होगा कि मैं एशियन पेंट की कंपनी से कंपनियां क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आपको एक ऐसी कंपनी मार्केट लीडर कंपनी बताने जा रहा हूं जो आने वाले टाइम में एशियन पेंट जैसी प्री लाइट जैसी रिटर्न मार्केट देंगी। हालांकि केमिकल सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है, लेकिन मेरे बताने का तात्पर्य यह कि अगर आप कोई ऐसा शेयर ढूंढना चाह रहे हैं तो लंबे समय के लिए होल्ड करो अपने पोर्टफोलियो में और बहुत अच्छा मल्टी बैगर्स रिटर्न मार्केट दे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा शेयर आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं, बहुत ही अच्छा मतलब बहुत मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर देगा आपको। देखो मैं आपको बता दूं होता क्या है, आपके पोर्टफोलियो में कुछ कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिनको मार्केट पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ही शेयर है, देखो जहां पर विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं पर इस कंपनी के शेयर में गिरावट ही नहीं हुई है। मैंने इस कंपनी को बाय कर रखा है और मैं ये वेट कर रहा हूं कि मार्केट के साथ इसमें भी गिरावट हो ताकि मैं एवरेज करूं, लेकिन बदकिस्मती से इस कंपनी में गिरावट ही नहीं हो रही है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा जब आप मेट्रो वगैरह पे जाते हो तो मेट्रो की जो रूफ होती है जो ब्रिज जैसा बना होता है वहां पर स्ट्रक्चरल स्टील लगी होती है, जो ढांचा बना होता है लोहे का कितना बड़ा वहां पर प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब कितनी स्टील लगी होती है। बिल्डिंग हो गई, ब्रिज हो गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में स्ट्रक्चर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ऐसे स्ट्रक्चरल बिल्डिंग बनती है, वहां पर जो लोहा लगा होता है वो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील बनाती है। लेकिन गाइस ये इस कंपनी, ये जो कंपनी, इसमें मार्केट शेयर जो इसका है 50% मार्केट शेयर है, 50%, जी हाँ 50% मार्केट शेयर ये रखती है, जबकि मैं आपको बता दूं एशियन पेंट का केवल 39% है। तो ये मतलब मार्केट शेयर कैप्चर करने की बात हो गई, मैं उसको कंपेयर, मतलब वो अलग सेक्टर है शेयर, वो अलग सेक्टर का शेयर है, लेकिन मैं कह रहा हूं जब कोई कंपनी इतना मोनोपोली है कि 50% मार्केट शेयर रखती है तो इन फ्यूचर में वो कितना रिटर्न बनाकर देगी। तो दोस्तों जब भी आप कहीं पर जाते हो तो आपको ऐसी कोई स्ट्रक्चरल स्टील की बिल्डिंग लगी दिखे तो समझ गए ना आप उस कंपनी में उस कंपनी का प्रोडक्ट्स लगा हुआ है, क्योंकि वो 50% मार्केट शेयर अकेले कैप्चर करके बैठी गाइस। तो कंपनी के पास 11 प्लांट्स हैं, 11 प्लांट्स कंपनी के पास हैं, 11 प्लांट हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 800 कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 800 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कंपनी के पास, और कंपनी 3.5 मीट्रिक टन पर एनम, 3.5 मीट्रिक टन पर एनम कंपनी अपनी कैपेसिटी रखती है इतना प्रोडक्ट्स बनाने की। तो मार्केट लीडर है तो 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो होंगे ही, और 3.5 मीट्रिक टन पर एनम बनाएगी तभी तो अपना 50% मार्केट शेयर को कैप्चर कर पाएगी। तो दोस्तों कंपनी की कैपेसिटी काफी अच्छी है, कंपनी मोनोपोली है, मतलब 50% अकेला राज कर रही है। कंपनी में गिरावट की बात करें तो गाइस जहां आज इस मार्केट में गिरावट हो रही है शेयरों में, वहीं पर इस शेयर में 1% की भी गिरावट नहीं हुई है, 1% की भी गिरावट इस मार्केट इस शेयर में देखने को नहीं मिली है। मैं खुद वेट कर रहा हूं कि कब ये शेयर नीचे आए और उसके बाद में इसमें एवरेज करूं, क्योंकि मैं भी इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूं। तो गाइस इस कंपनी में हम बात कर रहे हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स की, हम एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। गाइस इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 43% की सीएजीआर से रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। आप देख सकते हो लास्ट 5 ईयर में 43% की सीएजीआर से रिटर्न्स बनाकर दिए। कंपनी के पास 148 करोड़ का कैश भी मेंटेन कर रखा है, 148 करोड़ का कैश भी है। देखो होता क्या, अगर किसी कंपनी पास कैश होता है ना तो उसके पास अगर बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं ना, कैश की जरूरत पड़ती है तो वो उसको यूज कर सकती है, तो कैश फ्लो देखना इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। वहीं पर आरओए की अगर हम बात करें तो 5 ईयर में कंपनी ने 25% का आरओए दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी, आप जो इक्विटी लोगे उस पर कितना रिटर्न दे रही है। यहां पर अगर हम कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 2018 में दोस्तों 158 करोड़ था, 2018 में 158 करोड़ था, जो कि 2022 में बढ़कर के कंसिस्टेंसी के साथ 619 करोड़ हो चुका है। गाइस ऐसे ही हम रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू की बात करें तो 2018 में 5,472 करोड़ था, जो कि 2022 में बढ़कर के 13,063 करोड़ हो गया। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कंपनी की सेल्स में और रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। देखो मेन चीज बैकबोन किसी भी कंपनी का जो होता है वो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू होता है।
अगर खराली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स ही बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रही है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम है। नेट प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी का नेट रेवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, आपको पता होना चाहिए कि 100 स्टार्टअप्स में से जो भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सारे जो भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, 100 में से 77 स्टार्टअप्स फेल हैं। मतलब 77 स्टार्टअप जो है फेल का मतलब है वो प्रॉफिट ही नहीं कर रहे हैं। जोमेटो की सेल्स बहुत है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसको, तो हमें ऐसी कंपनी नहीं चाहिए। और गलती से भी ऐसी कंपनी बाय करके रखना भी मत। हमें अगर लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोच रहा है तो हमें ऐसी कंपनी देखनी है जिसका मार्केट शेयर ज्यादा हो, मोनोपोली के लगभग हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ रहा हो, आरओई अच्छा हो, ठीक है, आरओई भी होना चाहिए कंपनी का। सीएजीआर, सीएजीआर बहुत अच्छा है इसका, 43% का है। तो गाइस, बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, ब्रिज, ओवर ब्रिज, मेट्रो के ओवर ब्रिज हो गए, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइड में आपने जो स्टील लगी देखी होगी, वो सारे प्रोडक्ट्स इसी कंपनी का होता है, ठीक है, इसी कंपनी का है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स बहुत अच्छा शेयर है। क्या लेवल्स रहने वाले हैं इसको अगर हम बाय करने की सोचा, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे गाइस। मैं आपको बता दूं गाइस, 2021 और 22 में इक्विटी में, शेयर मार्केट में लोगों ने, जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं, इंडियन हाउस होल्ड्स लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया पता है? केवल 48,000 करोड़ का, और ये 7वें नंबर पर आया। मतलब लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। सबसे पहले पर है आपका वो क्या बोलते हैं उसको, देखो पीपीएफ, दूसरे पर है बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट में लोग पैसा बहुत जमा करते हैं, ठीक है, और जो पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करके आते हो ना, वही पैसा बैंक वाले स्टॉक्स में लगाते हैं। और इस कंपनी में कोटक बैंक है, टाटा है, इन्होंने काफी अच्छी खासी होल्डिंग उठा रखी है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, और म्यूचुअल फंड्स में लोगों ने ज्यादा पैसा लगाया, शेयर मार्केट में पैसा कम लगाया, उससे ज्यादा लगाया म्यूचुअल फंड्स में। तो जो आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो ना, म्यूचुअल फंड्स वाले भी इन पैसों को, जैसे कि कोटक बैंक ने इसमें लगाया, तो कोटक बैंक ने क्या किया, म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो उसमें लगा दिया, या फिर आप बैंक में डिपॉजिट करके आए तो वो भी यहां पर लगाते हैं। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको लर्निंग पर फोकस देना पड़ेगा। आपके पैसे को जो आप बैंक में रख के आ रहे हो, आपको लग रहा है कि बैंक में रखा नहीं, बैंक में जो पैसा होता है ना उसको बैंक री इन्वेस्ट कर देती है, तब आपको इंटरेस्ट देगी, ठीक है, इंटरेस्ट देती है ना आपको सेविंग अकाउंट में 5-6% का, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो लर्निंग पर फोकस दीजिए दोस्तों। जैसे कि मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है, इसके कुछ लेवल मैंने मेंशन कर रखे हैं। लेस का मतलब है कि अगर इससे नीचे जाता है तो, और रीच का मतलब है वहां पर पहुंचेगा। देखो तो अभी शेयर जो है 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1200 रुपए पर शेयर जो है ये ट्रेड कर रहा है। और अगर ये शेयर, 1100 के नीचे जाता है, मतलब 1100 पर पहुंचते को, 1200 पर तो ट्रेड कर ही रहा है और 10-15 रुपए तक ऊपर नीचे होते रहते हैं शेयर, अगर ये शेयर 1100 के नीचे जाता है तो ये शेयर जो है आपको फिर 1142 पर जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ये 1142 को भी क्रॉस करता है, 1142 को भी क्रॉस करता है, लेस मतलब नीचे जाता है, कम होता है, तो ये शेयर आपको 1103 पर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये शेयर नीचे जा ही नहीं रहा है। मैं खुद वेट कर रहा हूं कि कब ये नीचे आए, इस वाले लेवल पर आए या फिर इस वाले लेवल पर आए, ताकि मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूं एवरेज के तौर पर, ठीक है। बहुत अच्छा शेयर है, 5 साल में कंपनी ने 500% से ज्यादा का रिटर्न्स ना कर दिया है, आप भी इसको कंसीडर कर सकते हैं गाइस, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस से केवल इसको कंसीडर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड सब्सक्राइब नाउ।